हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का द इग्नो पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इग्नो के अंदर में एक जॉब की वैकेंसी आई है। किस पोस्ट के लिए है, किस डिपार्टमेंट के अंदर में है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी मिलने वाली है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर में मिलने वाला है। समझते हैं डिटेल में। आज 21 सेप्टेम्बर है, इग्नो ने आज अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया। अगर आपको इस नोटिफिकेशन को देखना है तो डायरेक्टली आपको इग्नू के साइट पर जाना पड़ेगा। गूगल पर जाइए, इग्नू लिखिए, इग्नू का पेज खुलकर आ जाएगा। जब आप उस पेज को नीचे ड्रैग करोगे तो नीचे न्यूज एंड अनाउंसमेंट कॉर्नर के अंदर में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जहां पे बात किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट है। और इग्नू के अंदर में एक अलग से डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ACD, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिवीजन के तौर पे जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिटेल में कि ACD क्या है, इस पोस्ट के अंदर में क्या वर्क रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलने वाली है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन पे ले जाऊँ तो ये जो पूरा जो रिलीज किया गया नोटिफिकेशन 21 सितंबर आज रिलीज किया गया, मैदानगढ़ी इग्नू जो हेडक्वार्टर है वहां से रिलीज किया गया। ठीक है, ये नॉर्मली जो पोस्ट हैगा कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का पोस्ट हैगा एट ACD के अंदर में, एकेडमिक कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर में, डिवीजन के अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में अगर आप पोस्ट की बात करोगे तो फुल टाइम जॉब रहने वाला है और ये जो पीरियड है अगर आप इसके जॉब के लिए जाते हो, इसके अगर सेलेक्ट होते हो तो इसके अंदर में नॉर्मली 6 महीने का पीरियड रहने वाला है और इसको एक्सटेंड भी किया जाता है और किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां पे भी आप लगे हो, जो ACD डिपार्टमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह का है, किस तरह का उनका रिक्वायरमेंट है, नीड किस प्रकार की है, उसके हिसाब से आपके जो टेन्योर है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नॉर्मली जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वो 6 महीने का रहने वाला है। अगर हम इसके लिए बात करें कि आगे हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाला है, तो कंसल्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव के पोस्ट पे ले जाओगे फुल टाइम जॉब रहेगा। ठीक है, पोस्ट सिंगल पोस्ट रहने वाली है, वैकेंसी एक पोस्ट की है, 40 से लेकर 60 हजार रुपए तक के बीच में आपको जॉब की जो सैलरी है पैकेज ऑफर किया गया है। प्लस में यहाँ पे जो डिग्री चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीजें पे बात की गई है। सबसे पहला चीज ये है कि आप रिटायर ऑफिसर होने चाहिए गवर्नमेंट किसी भी जॉब से, सर्विस से या यूनिवर्सिटी से या फिर CSS से, कहीं से भी आप रिटायर ऑफिसर होने चाहिए। एटलीस्ट 25 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब का, 25 साल आपने काम में दिया हो अपना, और उसमें से 10 साल एटलीस्ट आप जो सेक्शन ऑफिसर के लेवल के होने चाहिए या फिर उसके ऊपर के लेवल के अक्सर ऑफिसर के तौर पे आपने वर्क किया हो, ये मांगा गया है। 25 साल का एक्सपीरियंस प्लस में 10 साल सेक्शन ऑफिसर के तौर पे आपने काम किया हो, इससे ऊपर के पोस्ट पे काम किया हो, ये यहाँ पे डिमांड किया गया है। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस की बात की गई है, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए किस चीज का, तो एस्टेब्लिशमेंट के मैटर्स को लेकर, जो भी मैटर होते हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो प्रमोशन से रिलेटेड मैटर होते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पे फिक्शन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, डिसिप्लिनरी जो मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और यही इनका वर्क प्रोफाइल भी रहने वाला है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि क्योंकि जो वर्क आपका होने वाला है, वर्किंग एरिया जो होगा आपका कंप्यूटर पे ही होगा, और जो यहाँ पे एज लिमिट चाहिए आपका मिनिमम, जो मैक्सिमम एज है, जो मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेशंस की मांग की गई है वो 65 की मांग गई है, जो एक तरह से रिटायरमेंट की जो एज होती है उसके प्लस वाले बंदे की जरूरत है। यहाँ पे मैं और आप तो इसमें एलिजिबल नहीं है, ना हम पहले वाले के लिए फुलफिल करते हैं ना एज वाले के लिए फुलफिल करते हैं। तो अगर आपके जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफिसर था, रिटायर हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे वर्क किया, यूनिवर्सिटीज के अंदर में वर्क किया या CSS में वर्क किया, कहीं पे भी किया, 25 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें 10 साल उसने सेक्शन ऑफिसर के तौर पे वर्क किया या उससे ऊपर के पोस्ट पे वर्क किया है, ठीक है, और उसको एक्सपीरियंस है प्लस में, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं उससे रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, पे फिक्शन से रिलेटेड या फिर डिसिप्लिनरी मैटर, लीगल मैटर के रिलेटेड उनके पास एक्सपीरियंस है और एज उनकी 65 ईयर्स की है, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो उनके लिए जॉब रहने वाली है। अगर मैं इस जॉब प्रोफाइल की अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जॉब के अंदर में जो भी यहाँ पे मैटर होंगे इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट का, ठीक है, किस तरह से किसकी पोस्टिंग कैसे होनी है, कौन से टीचर को कहाँ पे हायर करना है और उनके करियर को लेकर कितना प्रमोशन, किस तरीके से प्रमोशन होना है, जो भी इस तरह के केसेस होते हैं, ठीक है, टीचर्स और एकेडमिक सेशंस के अंदर में, एकेडमिक जो टीचर्स होते हैं या एकेडमिक्स होते हैं उसके अंदर में, उसको यहाँ पे डील करना रहेगा। अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस एप्लीकेशन को लेकर, इस एडवर्टीजमेंट को लेकर कि हाँ भैया मैं इसके लिए सुटेबल हूँ, मुझे इसके लिए जाना है, तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली जो भी इसका जो सर्कुलम वीटा है उसका कॉपी, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो मेल कर सकता है, ठीक है, मेल कर सकता है, 15 दिन का टाइम है, ठीक है, लास्ट जो डेट रहने वाली है, लेटेस्ट डेट बाय मतलब 5 अक्टूबर तक का डेट है,
आज 21 तारीख है, 5 तारीख तक का टाइम है आपके पास में, आप मेल कर सकते हो। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, आप एड्रेस पे भी भेज सकते हो। 15 दिन का ऑलमोस्ट आपके पास टाइम रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेल आईडी भी प्रॉपर दी गई है, अगर आप मेल करना चाहते हो तो इस पे मेल कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग में, कुछ कंफ्यूजन हो, तो डायरेक्टली आप इग्नू के जो मैदानगढ़ी का क्वार्टर है वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको डाउट जो है सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये पोस्ट रहने वाला है, और इग्नू हर बार नए नए तरह के पोस्ट लेकर आता है। पीछे मैंने एक वीडियो बताया था जहाँ पे एक कंसल्टेंट की जरूरत था जिसको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, ठीक है। तो वो भी 40 से 60 हज़ार रुपये का पैकेज ऑफर किया गया था। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टाइम टू टाइम इग्नू नए नए तरह के रिक्वायरमेंट लेकर आता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, अगर हम आपको बताते हैं एलिजिबल हो तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। क्योंकि इग्नू के पास से देखो सैलरी कम मिल रही है ज़्यादा मिल रही है वो मैटर नहीं करता, जैसे मैं नॉर्मल बात करूं तो आप जब इग्नू से पास आउट होते हो, इग्नू से अगर आप एक्सपीरियंस लेके निकलते हो कि मैंने यहाँ पे इग्नू में वर्क किया है, वो मैटर करता है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में आप क्या काम कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप राष्ट्रपति भवन में काम कर रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। तो इग्नू से जब आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा ना कि आपने इग्नू के साथ में वर्क किया है, तो किसी भी कॉलेज, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी कंपनी के लिए जाओगे तो वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे देखा जाता है। क्योंकि इग्नू अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स ऑफ कर सकते हो, एक मतलब वैकेंसी है, सोर्स ऑफ एक तरह से रिसोर्स है, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, संसाधनों का एक जरिया है, ठीक है। इस तरीके से आप मान के इसको चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझ में आता है, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो डायरेक्टली आप मैदानगढ़ी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको पूरी तरह से आपके डाउट्स को सॉल्व कर दिया जाएगा। इवन आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए ओपन है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।